हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 2019 में यानी इस साल में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में आप अपना नाम चेक करें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, तो उसको आप एक एप्लीकेशन के ज़रिए बड़ी ही आसानी से मात्र 2 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप वोटर स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यानी मतदाता पर्ची कैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वोटर लिस्ट में आप लोग अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए हम उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके एड्रेस बार में वोटर हेल्पलाइन लिख के सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप वोटर हेल्पलाइन सर्च करेंगे ये पहले ही नंबर पर एप्लीकेशन आ जाएगी। ये मात्र 8 MB की एप्लीकेशन है, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो देखिए इसका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखिए सबसे नीचे में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और इसके बगल में लिखा हुआ है आई एग्री, तो इसमें हम क्या करेंगे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए राइट साइड में नीचे में नेक्स्ट लिखा हुआ है, हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखिए इस प्रकार से खुल गया है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव में उतरे हैं तो उसको भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो निर्वाचन आयोग को यहां से आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सर्च दिया हुआ है, इसमें हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप अपना पूरा डिटेल इसमें फिलअप करके उसके बाद चेक करें कि आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, और दूसरा तरीका ये है कि आपके वोटर आईडी में जो आपका इपिक नंबर होगा यानी वोटर आईडी नंबर होगा उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको डिटेल के ज़रिए वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करके दिखाता हूँ। दोस्तों नाम यहाँ लिखने का कई तरीका है, जैसे यदि आप चाहें तो फर्स्ट नेम लिख सकते हैं या लास्ट नेम लिख सकते हैं, यदि आप चाहें पूरा नाम भी इसमें फिलअप करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे मेरा नाम है रमेश, तो मैं इसमें रमेश लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए आप अपने फादर का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर यदि आपको एज पता है तो एज लिख दीजिए। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट, उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से अपना विधानसभा सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ जो सर्च लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल जो है शो हो गया है, यानी हमारा नाम जो है वोटर लिस्ट में है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम है, एज है, पिताजी का नाम, विधानसभा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, और यहाँ पे देखिए आपका वोटर आईडी नंबर भी दिया गया है। दोस्तों इस डिटेल को यदि आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वोट देने के लिए वोटर आईडी के अलावा आपको मतदाता पर्ची यानी वोटर स्लिप की ज़रूरत पड़ती है, यदि आप चाहें तो इसका यूज आप मतदाता पर्ची यानी वोटर स्लिप के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए डाउनलोड का एरो बना हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए अलाउ करने के लिए बोला है, तो इसको आप अलाउ कर दीजिए। जैसे ही आप अलाउ करेंगे ये आपका पूरा डिटेल जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ कि आपका वोटर स्लिप जो है कहाँ डाउनलोड हुआ है। ऊपर से हम स्लाइड करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपका वोटर स्लिप जो है डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा वोटर स्लिप यानी मतदाता पर्ची डाउनलोड होकर हमारे सामने ओपन हो गया है। यदि हम चाहें तो इसको प्रिंट करा के और वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जा सकते हैं, वहाँ पे हमें कोई भी मना नहीं करेगा, इसके ज़रिए हम अपना मतदान कर सकते हैं। और दोस्तों पहला तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका यहाँ पर है ईपिक नंबर के ज़रिए, और सेम इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी नंबर डाल दीजिए, उसके बाद सर्च पे क्लिक करके आप अपना वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। दोस्तों वोटर स्लिप में अपना नाम देखना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही,
उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।